एक गाइस, आप सब कैसे हो? मैं हूं आदिल और आपका टेक्निकल आदिल पर स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में आप लोग कुछ नया जानेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूं। मैं आपको एक ऐप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये ऐप बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स है। गाइस, आज की वीडियो में आपको एक ऐप के बारे में बताऊँगा जिसका साइज 5 MB है, और ये 5 MB के ऐप में 32 फीचर्स हैं, क्योंकि ये 5 MB का ऐप, जो कि एक ऐप है, ये 32 ऐपों का काम करेगा। आप वीडियो को एंड तक वॉच करना, आपको वीडियो जहाँ तक बहुत ही पसंद आएगी और आप इस ऐप को इंस्टॉल भी कर लेंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को इस ऐप के बारे में पता भी हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको इस ऐप के बारे में पता है, तो आप वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मुझे इस ऐप के बारे में पता था। तो गाइस, आपको मैं पूरा आज फुल डिटेल्स में इस ऐप के बारे में बताऊंगा। इस ऐप को आप आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। आप जैसे ही वीडियो फुल देखेंगे और आप कहेंगे कि वाकई में बहुत ही सरल है इस ऐप को यूज़ करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए स्मार्ट किट। अगर आप इस तरीके से अपने प्ले स्टोर से नहीं निकाल पाएँ, तो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दे दिया है। आप वहाँ से जाकर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, पहले नंबर पर ही इस ऐप का लिंक आ गया है, स्मार्ट किट। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इसका देखिए आइकन इस तरीके का होगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसे डायरेक्ट ओपन करता हूँ। तो चलिए ओपन करते हैं। जैसे ही गाइस आप इसे ओपन करेंगे, तो आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, आप इसे परमिशन को अलाउ कर दीजिए। देखिए गाइस, 32 ऐप्स हैं इस एक ऐप्स के अंदर। देखिए, अब मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ। पहला है गाइस नोट पैड, ये देखिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे नोट पैड पर, तो यहाँ पे आप अपना कुछ भी नोट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट कुछ भी आप नोट करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ होती है, जैसे इम्पोर्टेंट आपको बता रहा है कोई, आपको आपके पास पेन कॉपी नहीं है, तो आप इस पर पेंसिल पर आप बनिए, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कुछ भी नोट कर सकते हैं। अपना यहाँ पर नाम लिखिए, जो भी टाइटल हो नोट का, वो लिख के यहाँ पर सर्च लिख सकते हैं आप जो भी चाहें। गाइस, अब दूसरा ऐप है आपके सामने ट्रांसलेटर, ये देखिए आपके सामने दूसरा ऐप है ट्रांसलेटर। अब आपको ट्रांसलेट ऐप अपने मोबाइल में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ ट्रांसलेटर पर क्लिक कीजिए, आप जिस भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इंग्लिश लिखा है, आप इसे नीचे कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए हिंदी, इधर चूज़ कर दीजिए और यहाँ पर कोई भी भाषा अपनी चूज़ कर लीजिए, हिंदी टू, ज़्यादातर इंसान इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ये ट्रांसलेट करता है। तो चलिए हिंदी टू इंग्लिश करते हैं, तो इंग्लिश पर कर दिया। अब यहाँ पर आपको हिंदी दिख रहा है, आप कुछ भी लिखना है, जैसे मैं कौन हूँ, जो भी ट्रांसलेट करना चाहें वो लिखकर, यहाँ तीर का निशान दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट होकर आ जाएगा, नीचे आपको हिंदी में यहाँ पर लिखना होगा, इंग्लिश में देखिए अगर आप अदला बदली कर दीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में आप लिख दीजिए, जैसे हु आर यू, आप इसे ट्रांसलेट करिए, तो यहाँ पर लिख के आगे हिंदी में तुम कौन हो, इस तरीके से आप यहाँ ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब तीसरा ऐप है डिक्शनरी, ये देखिए डिक्शनरी। इस पर आप डिक्शनरी पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने जो भी आप वर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे उसका आंसर लिख कर आ जाएगा। जैसे करता हूँ मैं ट्री, आप ट्री सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने इतने ऑप्शन आ गए हैं, तो ट्री पर आप क्लिक कर दीजिए, तो इसका आंसर आपके सामने लिख कर आ जाएगा। देखिए बर्ड चेरी चेरी, ये सब ऑप्शन आ गए हैं। तो इस तरीके से आपको डिक्शनरी ऐप भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सिर्फ 5 MB की ऐप में डिक्शनरी भी ऐप
इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपके सामने देखिए ये ऐप है एक्सरसाइज, इसमें एक्सरसाइज से संबंधित है कि आपको रोज़ इतने स्टेप ये एक्सरसाइज करनी है इतने स्टेप। ये है फाइल मैनेजर, इसमें फाइल मैनेजर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी फाइल होंगी आपके मोबाइल में वो सब फाइल आ जाएंगी। इसमें ये है कटर, यहाँ से आप इस पर कटर पर क्लिक करेंगे तो आप MP3 भी जो आपके में सॉन्ग डले हैं वो उस कट करके आप रिंगटोन भी बना पाएंगे या कहीं से भी आप उसे कट कर सकते हैं। ये है मेट्रोनो होम, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसमें भी कई डिटेल्स हैं सॉन्ग के बारे में। अब देखिए यहाँ ये रिकॉर्डर है, आप यहाँ से अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकती हैं। ये है फ्लैशलाइट, आप इस पर क्लिक करेंगे फ्लैशलाइट पर तो फ्लैशलाइट जलने लगेगी। नेक्स्ट ऑप्शन है मिरर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने मिरर आ जाएगा। और ये है मैग्नीफायर, जैसे आप ये लेंस समझिए आप एक तरीके का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप छोटे अक्षरों को भी पढ़ पाएंगे। ये है QR कोड स्कैनर, इसकी हेल्प से आप QR कोड स्कैन भी कर सकते हैं। अब आ गया है क्लीनर। नेक्स्ट क्लीनर से आप अपने मोबाइल के जो भी वायरस हैं उसे आप क्लीन कर सकते हैं और आप अपनी बैटरी सेवर भी लगा सकते हैं। ये देखिए बैटरी सेवर का भी ऑप्शन है, आपको इस ऐप में स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन मिलेगा। अब गाइस आपके सामने ये कैलकुलेटर के ऑप्शन आ गए हैं, ये चार कैलकुलेटर हैं। ये अबेकस है, ये दुनिया का फर्स्ट कैलकुलेटर है। ये कैलकुलेटर है जो आप यूज़ करते हैं, ये करेंसी का है कि आप डॉलर को जिस करेंसी में बदलना चाहें या इंडियन रुपये को जिस करेंसी में बदलना चाहें उसे आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि एक डॉलर का इंडियन रुपये में कितने रुपये हैं या इंडियन रुपये इतने कितने डॉलर बनेंगे, आप ये चेक कर सकते हैं। ये यूनिट हैं, आप इससे किलोग्राम ये सब नाप सकते हैं। आप करेंसी पर आप जैसे क्लिक करेंगे, दिखाता हूँ मैं, एक डॉलर, अब यहाँ पर आप यूरोपियन इंडियन करते हैं, देखिए INR इंडियन रुपी पर आप क्लिक करेंगे तो एक डॉलर की कीमत इस टाइम अपने देश में 75 रुपये ये है, इतने पैसे है। तो देखिए आप इस तरीके से अपने हर टाइम जान भी सकते हैं कि आपके देश में इस टाइम डॉलर की एक डॉलर की कीमत क्या है। अब गाइस नीचे आ जाएगी, यहाँ पर लिखा है अल्टीमीटर, ये मीटर है, आप चलेंगे तो आपका ये काउंट करेगा। अब देखिए गाइस यहाँ पर कंपास, ये कंपास है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप परमिशन मांगे, परमिशन को अलाउ कर दीजिए। ये कुछ सेटिंग मांगेगा, यहाँ सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आप सेटिंग पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर बैटरी सेविंग लगाए हाई एक्यूरेंसी पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐप चलने लगेगा। अब यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ से गाइस अब ऑप्शन है हार्ट RM, यहाँ से आप अपने दिल की धड़कन काउंट कर सकते हैं। इस पर आप ऐप पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए आपके इस पर लिखा आ रहा है यहाँ पर प्लेस योर फिंगर ऑन कैमरा लेंस, आप कैमरा लेंस के आगे अपनी फिंगर रखिए तो देखिए ये लाइन दिख रही है बढ़ने लगेगी। अब देखिए काउंट हो रही है, देखिए ये फुल जब काउंट हो जाएगी तो पूरा लिखकर आ जाएगा मेरा ब्लड प्रेशर यानी हार्ट की काउंट। तो मेरा ये देखिए लिखकर आ गया योर हार्ट रेट इज 60 BPM। आप हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी कि आपने किस किस की ये चेक करी है, और रिट्राई पर क्लिक करेंगे तो आप फिर से दोबारा इसे काउंट कर पाएंगे। अब गाइस बारी आती है इंटरनेट स्पीडोमीटर की, देखिए इस ये ऐप भी आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, इसमें खुद है। आप इंटरनेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी देखिए ये पिंग भी देख लेगा कि आपकी पिंग कितनी आती है, डाउनलोड ऑप्शन भी कर लेगा कि आप मैक्सिमम कितनी आपकी स्पीड आएगी, डाउनलोड आप कुछ करेंगे या अपलोड वीडियो करेंगे तो उसके लिए आपकी कितनी MB पर सेकेंड स्पीड आएगी। तो स्टार्ट पर आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए पहले पिंग काउंट हो रही है तो 74 MS पिंग आएगी। अब डाउनलोड का हो रहा है, एक मैक्सिमम कितने डाउनलोड हो सकता है तो देखिए MBPS चल रहा है। अब यहाँ पर डाउनलोड भी काउंट होकर आ जाएगा, देखिए डाउनलोड भी काउंट होकर आ गया है। अब अपलोड भी काउंट हो रहा है, अब अपलोड भी काउंट होकर आ जाएगा। डाउनलोड मेरा 5.3 MB पर सेकेंड है। अब देखते हैं अपलोड कितना होता है, अपलोड अभी लिखकर आ जाएगा,
देखिए 6.8 अपलोड है। इस तरीके से आपको इंटरनेट स्पीड मीटर भी आप इससे चेक कर सकते हैं। और भी गाइस इसमें ऐप हैं, जैसे ये पेडोमीटर है, इसमें आप स्टेप अपने काउंट कर सकते हैं कि आप इतनी तारीख को आपने कितने कितने किलोमीटर चले, आप कितने स्टेप चले, ये सब आपका इसमें काउंट होता रहेगा इस ऐप के अंदर। अब आप गाइस यहाँ पर और भी ऐप हैं, इसे आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको मुख्य ऐप बताता हूँ, जैसे ये है साउंड मीटर, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये परमिशन मांगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके आसपास कितना शोर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 80 डेसिबल है, देखिए 84 ये यहाँ पर काउंट हो रहा है मेरे साइट का जहाँ पर मैं बैठा हूँ कि यहाँ पर कितना शोर है। ये साउंड मीटर है, ये डेसिबल में सिलेक्ट करता है, यहाँ से आप साउंड भी कर सकते हैं। जैसे ही गाइस आप देखिए यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है, 3 लाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे। यहाँ पर लिखा है क्रिएट शॉर्टकट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो ऐप अपने शॉर्टकट में लाना चाहते हैं यानी होम पेज पर, तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप लाना चाहते हैं कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिए और अलाउ पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके ये होम स्क्रीन पर शॉर्टकट हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 3 लाइन पर फिर से क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर गाइस ऑल सोशल मीडिया लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर ऑल सोशल मीडिया नेटवर्क मिल जाएंगे, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं। अब गाइस बैक आते हैं, अब यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर ऑल वर्ल्ड न्यूज़ लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको जितने भी न्यूज़ के चैनल है वो सब मिल जाएंगे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी वेब पर पहुंच जाएंगे। अब गाइस यहां पर लिखा है ऑल शॉपिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म हैं, ऐप हैं, और वो सब इस पर आ जाएंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप उस ऐप में पहुंच जाएंगे, आपको ये ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आप एक ऐप से 32 ऐप से ज़्यादा ऐप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपका इससे मोबाइल हैंग भी नहीं होगा। एक ऐप से आप 32 ऐप यूज़ कर सकते हैं, देखिए गाइस। तो गाइस आज आपने जाना एक ऐप से 32 ऐप्स यूज़ करना। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल टेक्निकल आदिल को सब्सक्राइब करना। आप अगर इसी तरह की रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।